नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, जैसा कि सुबह मैंने आपको बताया था कि आज 18 तारीख को श्री कौशल किशोर जी के द्वारा सभी संविदा कर्मचारियों को अपने निज निवास स्थान पर सुबह 11 बजे बुलाया गया था और एक बैठक की गई थी। इस बैठक के करने का मुख्य उद्देश्य जो था, सभी संविदा कर्मचारियों का, चाहे उसमें अनुदेशक, शिक्षा मित्र, सभी लोग सम्मिलित थे, उन सभी की समस्याओं को अच्छी तरीके से सुनना था और उससे संबंधित जो भी समाधान निकलेगा उसके लिए आगे की रणनीति को तय करना था। इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों के द्वारा भी इस मीटिंग में प्रतिभाग किया गया और अनुदेशकों के प्रतिनिधिमंडल ने उनसे वार्तालाप की, अपनी समस्त समस्याओं के बारे में बताया और अनुदेशकों की जो स्थिति इस समय बनी हुई है, जो आर्थिक मानसिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, उसके विषय में भी उनको अवगत कराया गया और इस मीटिंग का बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें वार्तालाप हुई है। अभी मैं आपको एक पोज दिखाता हूं। ये पोज जो है वो शशांक मिश्रा जी के द्वारा की गई है, क्योंकि आज मीटिंग में वो वहां पे उपस्थित थे तो उनके ही द्वारा एक पोज डाली गई है। इस पोज से ही आपको पता चल जाएगा कि बातें जो है कितनी सकारात्मक रही है। इस पोज को अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज जो बैठक हुई है, श्री कौशल किशोर जी के द्वारा समस्त संविदा कर्मचारियों को बुलाया गया और इसमें जो है अनुदेशक भी सम्मिलित हुए। शशांक मिश्रा जी वहां पर उपस्थित थे, बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं शशांक मिश्रा जी, और वहां से ही उन्होंने जो भी वार्तालाप हुई है उससे संबंधित ही एक पोस्ट डाली है। आइए हम सबसे पहले इस पोस्ट को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वार्ता सफल हुई, बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश। माननीय श्री कौशल किशोर जी, केंद्रीय राज्य मंत्री भारत सरकार के आवास पर बुलाई गई बैठक में शशांक मिश्रा प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक शिक्षकों की कई महीनों से चली आ रही समस्याओं को अवगत कराया गया, जिसमें सबसे पहले संगठन के साथ बुके देकर माननीय जी का सम्मान दिया गया। उसके बाद बेसिक अनुदेशक शिक्षक संघ की वार्ता शुरू हुई। लगभग 15 मिनट वार्ता हुई। वार्ता के क्रम में अनुदेशक शिक्षकों से जो वादा 3 अप्रैल 2016 को किया गया था, उस वादे को पूरा किया जाए। माननीय जी गंभीरता से पूरी बात सुनी और बताया कि देश के प्रधानमंत्री जी का निर्देश है कि अनुदेशक शिक्षकों की समस्याओं का सभी संविदा कर्मियों का समाधान किया जाए। उसके बाद कहा, हम आप लोगों की समस्याओं का समाधान अवश्य करवाएंगे, अनुदेशक के पद पर समायोजन किया जाए, जिसके लिए माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी व माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के साथ संगठन के प्रतिनिधि की बैठक करवा कर 1 माह के अंदर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि अनुदेशक शिक्षकों के अच्छे दिन अब आएंगे। हमारे साथ आज संगठन के प्रदेश पदाधिकारी रवि रावत, संगठन मंत्री अभिषेक प्रताप सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष विवेक शुक्ला, प्रदेश सचिव लवकेश पटेल, प्रदेश महासचिव अजय सूर्यवंशी, ब्लॉक अध्यक्ष अनुदेशक उपस्थित रहे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान होगा। तो ये पूरी पोस्ट जो है वो शशांक मिश्रा जी के द्वारा डाली गई थी और हम आपको यहाँ पर बता दें कि आज बैठक में मुख्य रूप से अनुदेशकों ने जो अपनी सबसे प्रबल मांग रखी है वो ये है कि अनुदेशकों का नियमितीकरण किया जाए। और जिस तरीके से इस बैठक का आयोजन किया गया, और जैसा कि शशांक मिश्रा जी ने भी बताया कि प्रधानमंत्री जी ने ही खुद आदेश दिए हैं कि जितने भी संविदा कर्मचारियों हैं उनकी समस्याओं का समाधान करा जाए, और इसी के संबंध में ही सभी संविदा कर्मचारियों को आज बैठक के लिए बुलाया गया था, उनकी समस्याओं को सुना गया और यहां से अनुदेशकों को पूर्ण आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द ही अनुदेशकों को उनके पद पर ही समायोजन किया जाएगा। इसके संबंध में एक बैठक अगले महीने हो सकती है और इस बैठक में ही इस प्रक्रिया को शुरू करवाए जाने के संबंध में जितने भी स्टेप हैं वो तय किए जाएंगे। तो यहां पर एक तरीके से कहा जाए तो आज की जो बैठक है वो बहुत ही अच्छी रही, बहुत ही सफल रही और इसमें इसका नतीजा जो है आगे आने वाले समय में अनुदेशकों को मिल सकता है। और मैं आपको बताऊं कि इस तरीके की जो आज बैठक हुई है, ये एक तरीके से देखा जाए तो आगे आकर आपके अच्छे भविष्य का निर्माण करने की नींव भी बन सकती है। इससे संबंधित और भी जो अपडेट निकलेगी वो लगातार मैं अपने चैनल पे आपको दिखाता रहूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।